मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन सहयोग और सरकार के स्तर पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके संरक्षण का दायित्व आमजन को स्वयं उठाना पड़ेगा। हमारे विरासत को, इसके सौंदर्यकरण को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है, यहां गंदगी फैलाता है, उसे समझाएं, इसके बाद भी वह उद्दंडता पर उतरता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने में भी नागरिकों को संकोच नहीं करना चाहिए। सीएम योगी पावन सावन माह के पहले दिन गुरुवार को पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व वाले प्राचीन मानसरोवर शिव मंदिर तथा मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान के पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानसरोवर मंदिर का विकास जन भावनाओं के अनुरूप कराया गया है, बेहतरीन पर्यटन सुविधाओं का विकास होने के साथ ही यहाँ पर सौंदर्यकरण के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि मानसरोवर मंदिर के तालाब को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत सरोवर के रूप में भी इसकी पहचान दिला सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारी सुविधाएं यहाँ से जुड़े हुए लोगों को प्राप्त होगी, पर पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के नाम पर हम लोग कोई नया स्ट्रक्चर ना खड़ा करें, गंदगी ना फैलाएं। कहा कि गोरखपुर में पर्यटन विकास की सुविधाओं को लेकर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पर्यटन विकास कार्यों के लोकार्पण के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से मानसरोवर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर लोक मंगल की कामना की। मानसरोवर शिव मंदिर को सजाने संवारने में 6,01,00,000 रुपए खर्च किए गए। मंदिर परिसर में मल्टीपर्पज हॉल, प्रसाधन, 50 लोगों की क्षमता का रैन बसेरा, 2 टूरिस्ट शेल्टर, परिसर स्थित सरोवर पर रेड स्टोन रेलिंग, हवन कुंड, रेड स्टोन पाथवे, उद्यान, महिला पुरुष व दिव्यांगजन के लिए टॉयलेट ब्लॉक, पार्किंग, बाउंड्री वॉल का निर्माण, लैंडस्केपिंग, प्रवेश द्वार, पार्किंग के निर्माण के साथ ही सोलर पैनल तथा विक्टोरिया व गार्डन लाइट लगाए गए हैं। मानसरोवर शिव मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान का जीर्णोद्वार तथा सुंदरीकरण 1,64,00,000 रुपए की लागत से कराया गया है। रामलीला के लिए मंच, ग्रीन रूम, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट ब्लॉक, उद्यान, 2 प्रवेश द्वार बनाने के साथ ही लैंडस्केपिंग भी कराई गई है। रामलीला मैदान में स्थित डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा स्थल का सौंदर्यकरण भी कराया गया। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, श्री सीताराम जायसवाल जी यहाँ पर मंचासीन है, आप सभी से साथ हम सबके बीच हमारे अति लोकप्रिय माननीय उत्तर प्रदेश आज भारत के अग्रणी प्रदेशों में खड़ा हुआ है। सब जितने भी प्रदेश वासी हैं वो सभी आत्मनिर्भरता के अपने स्थानों पर खड़े होकर जोरदार कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंत्री जी ने दर्शन पूजन करके आराध्य को पुष्पांजलि अर्पित की है और उनका रुद्राभिषेक किया है। माननीय जी का आगमन हो गया, आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थानों पर खड़े होकर जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रुद्राक्ष के पौधे को रोपित किया जा रहा है। ये एक संदेश है कि हमको अपनी पर्यावरण की सुरक्षा, अपनी धरती माँ की रक्षा करनी है और माननीय जी का वैसे भी कथन और ये संदेश है कि प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि हमारी ये धरती माँ सुरक्षित रहे और पर्यावरण का सुंदर मंचन किया जा रहा है तथा इस मानसरोवर स्थल का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार करके आज इसे लोकार्पित किया जाएगा। माननीय धन्यवाद माननीय
अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राजेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष और श्री पुष्पदंत जैन जी हैं। एक बार सुंदर सुसज्जित सुदृढ़ मंच के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अतिथि देवो भव यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। महापौर महोदय से कि पुष्प द्वारा माननीय का अभिनंदन करें, स्वागत करें और माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी से निवेदन है कि पुष्प द्वारा आपका। साथ ही साथ हमारे मध्य श्री पुष्प दंत जैन जी हैं, महामंत्री रामलीला कमेटी, उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश, जो कि माननीय के लिए अंग वस्त्र लेकर आए हैं और साथ ही साथ रामलला का ये भव्य चित्र आपको भेंट कर आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। आप सभी के जोरदार तालियों के मध्य आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माने जैन साहब इधर देखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से किया जाना है। बहुत ही आदर के साथ आपसे निवेदन है कि बटन दबाकर और आप सबकी तालियों के मध्य इसका लोकार्पण गोरखपुर वासियों के लिए पर्यटन की दिशा में एक नया कदम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की दिश से अत्यंत महत्वपूर्ण इस प्राचीन मानसरोवर मंदिर के पर्यटन विकास की सुविधाओं के साथ ही रामलीला मैदान के पुनरुद्धार कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, महामंत्री रामलीला कमेटी और उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड श्री पुष्पदंत जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व पार्षद और सदस्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण श्री पवन त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण, पर्यटन विभाग के सभी अधिकारीगण और उससे उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज से सावन का पवित्र मास प्रारंभ हो रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि सावन मास की प्रथम तिथि को मुझे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का सौभाग्य इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में मानसरोवर में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसके साथ ही मानसरोवर के साथ साथ रामलीला मैदान की पुनरोद्धार, पर्यटन विकास की पुनरोद्धार की कार्य योजना को आज लोकार्पण का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले तक यह पूरा जो क्षेत्र था मंदिरें जर्जर थी। मुझे भी वर्ष में एक बार विजयादशमी के दिन यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता था, लेकिन मंदिरों में पूजा करते समय एक बात का भय बना रहता था कि पता नहीं कब मंदिर गिर जाए और बड़ी भयावह स्थिति थी। ये जो तालाब आज यहाँ पर है, इस तालाब में भैंस, आसपास के भैंस नहाते थे, उनका दिन भर जमावड़ा इसमें लगा रहता था, गंदगी का अंबार था, कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं थी जिसके बारे में ये कहा जा सके कि लोग इस बेहतरीन सुविधा का लाभ ले सकते हो। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहाँ के जन भावनाएं थी उन जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर बेहतरीन पर्यटन सुविधाओं का विकास होने के साथ ही यहाँ पर आज सुंदरीकरण के सभी कार्य आज पूरे हो चुके हैं। आपने देखा होगा चारों मंदिरों को जन सहयोग से बनाया गया, मंदिरों को बनने के साथ ही यात्री सुविधाओं का विकास भी हुआ है। यहाँ पर जो तालाब 5 वर्ष पहले गंदगी का अंबार था,
अगल तालाब कितना सुंदर है और उस सुंदर तालाब के साथ ही आसपास के क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाएं कितनी अच्छी बनी है, एक दर्शनीय स्थल बन गया है। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान शिव का यह महीना है सावन का महीना, सावन के मास में भगवान शिव भोलेनाथ शिव के इस पावन धाम में सुंदरीकरण के इस कार्य का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम सबको देखनी होगी। एक कि हम लोग जन सहयोग से और सरकार के स्तर पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, एक बार दो बार इन कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। लेकिन उसका संरक्षण का कार्य यह आम जनमानस को स्वयं उठानी पड़ेगी। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो चीज बनी हुई है ये हमारी विरासत का प्रतीक है, इसके सुंदरीकरण पर इसमें गंदगी नहीं करेंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति किसी दुराग्रह से नुकसान पहुंचाता है, गंदगी पहुंचाता है, तो उसको हम लोग उत्साहित करें कि भाई ये काम मत करो। और अगर वह उदंडता पे उतर आता है तो उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी आपको कराने में संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विरासत है आपकी, आपके पूर्वजों की। हम लोगों ने जन सहयोग से और शासन के सहयोग से इसके पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम किया है, कितना अच्छा ही बन गया है। लोग परिवार के साथ आके दर्शन कर सकते हैं, यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। वर्ष भर में यहाँ धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तालाब के किनारे, तालाब में आप देख सकते हैं कितना सुंदर पानी है। आज कोई भी उस पानी को वहां पे ले सकता है, उसको देख सकता है, वहां पूजा कर सकता है। लेकिन वह बने रहे यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मानसरोवर का सैकड़ों वर्षों की विरासत का पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा कि तालाब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत सरोवर के रूप में भी आप इसकी पहचान दिला सकते हैं कि अमृत सरोवर के रूप में आपने इस तालाब को कितना सुंदर बना दिया है, सुंदर तालाब हो चुका है। यहाँ पर ढेर सारी अन्य सुविधाएं इसके साथ यहाँ जुड़ेंगी, लोगों को प्राप्त होंगी। लेकिन हम पूजा करते समय इस बात को जरूर ध्यान दें कि पूजा के नाम पर हम लोग कोई नया स्ट्रक्चर न खड़ा करें, गंदगी ना फैलाएं। कोई भी ऐसी वस्तु जो हम लोगों ने पूजा करने के बाद वहां छोड़ी है, उसको हम जो निर्धारित स्थल है वहीं पर रखें, जहां तहां ना फेंकें। मूर्तियों पर भी हम लोग तिलक लगाने का प्रयास न करें, गंदगी न करें, जबरदस्ती पानी डालने का काम भी न करें, कहीं जो रेलिंग लगाई गई है उसके साथ झूलने का प्रयास न करें। रेलिंग एक व्यवस्था है आपकी सुविधा के लिए। उन सभी कार्यों के साथ हम जुड़ जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को यहाँ आने का अवसर प्राप्त होगा, वे लोग इसका आनंद ले पाएंगे, अपनी आस्था को शांत कर पाएंगे और उस सुविधा के माध्यम से उनकी आस्था भी प्रबल होगी, ढेर सारे लोगों के लिए अवसर प्राप्त होंगे। गोरखपुर महानगर में पर्यटन विकास की इन सुविधाओं को लेकर के अनेक कार्यक्रम किए गए, चाहे वह मुक्तेश्वर नाथ धाम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, चाहे वह यहां पर कालीबाड़ी मंदिर के लिए जो कार्य दिया गया था वहां पर पुनरुद्धार के कार्य का रहा हो, महादेव झारखंडी मंदिर है, और भी हम लोगों ने अन्य स्थलों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। गुरुद्वारों के भी पुनरुद्धार के साथ ही वहां की सुंदरीकरण के कार्य मोदीपुर और जटाशंकर गुरुद्वारों में भी सुंदरीकरण के इस कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ा करके पर्यटन विकास की ढेर सारी संभावनाओं को जन आस्था का सम्मान कर सके
उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज सावन के इस महीने में इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ। बाबा भोलेनाथ से, बाबा गोरखनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि यह सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, आपका जीवन मंगलमय हो और हम सब पर्यटन विकास के साथ साथ विकास की सुविधाओं का लाभ भी लेंगे और गोरखपुर को सुंदर शहर बनाने में, विकास की और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सब सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय, आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय तक प्रेषित करें। और आज श्रावण मास के प्रथम दिवस हमको, आज सावन का प्रथम दिन है, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु गोरखनाथ पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी ने आज रामलीला मैदान और मानसरोवर पोखरे का जो पर्यटन विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कराया है, यह अपने आप में इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि यहाँ पर जो शिव जी का मंदिर था वो बहुत जीर्ण अवस्था में थी, पोखरा भी बहुत उसी तरह था। महाराज जी ने जन सहयोग से चार मंदिरों का जो है निर्माण कराया और ये जो पर्यटन विभाग द्वारा इस विशाल मैदान का, मानसरोवर पोखरे का बहुत सुंदरीकरण कराया है। इसी के साथ साथ रामलीला मैदान, जो सैकड़ों वर्षों से रामलीला वहाँ होती चली आई रही है और दशहरे के दिन गोरख पीठाधीश्वर महाराज, बड़े दिग्विजयनाथ जी महाराज थे, फिर अवैधनाथ जी महाराज, अब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज दशहरे के दिन भगवान राम का तिलक करने के लिए आते हैं। पहले शिव जी का पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसके उपरांत जो है वो फिर रामलीला मैदान जाते हैं और वहाँ अपना भगवान का तिलक करने के बाद जनमानस को अपना संबोधन करते हैं। हिंदुओं और भगवान राम का जो चरित्र है उसके ऊपर विशेष रूप से वो प्रकाश डालते हैं ताकि आम जनमानस भगवान राम के चरित्र को जो है अपने जीवन में ग्रहण करे और अपने जीवन को धन्य बनावे। ऐसे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज हमारे बीच यहाँ आए और इतने बड़े परियोजना का लोकार्पण करके अभी गए हैं। हम सब बहुत ही धन्य हैं। आज हमारा समूचा हिंदू समाज गर्व से मस्तक से ऊंचा उठा है और आप देखिए इतना बड़ा भव्य मंदिर अयोध्या में, काशी में और तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार योगी जी करा रहे हैं। यह अपने आप में हिंदुओं के अंदर एक जागृति पैदा हो रही है और हिंदू चेतना आगे बढ़ रही है। हम ऐसे योगीश्वर को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि भोले बाबा इनको दीर्घायु करें और यशस्वी करें और आगे बढ़ेंगे ताकि राष्ट्र का निर्माण और अच्छी तरह हो सके। जय भोले बाबा।